हाँ भाई नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? एक बार चेक करिएगा। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? है ना, कल हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? लास्ट प्रोसेस हम लोग कौन सी डिस्कस कर रहे थे? हम लोगों ने बात कर ली थी किसकी? हम लोगों ने बात कर ली थी सेंसिबल हीटिंग की, हम लोगों ने बात कर ली थी सेंसिबल कूलिंग की, और फिर हम लोगों ने बात कर ली थी किसकी? कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन की। और अपन ने बात कर ली होगी कि जो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन ये वही प्रोसेस है जो समर कंडीशन में होती है, किसमें? एसी में होती है। इसके बाद एक हेडिंग डालो, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। फोर्थ नंबर, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई एयर जा रही है, मान लो यहां पर कुछ कोल्ड वाटर आ रहा है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई कोल्ड वाटर है वो स्प्रे कर रहे हैं, कोल्ड वाटर स्प्रे कर रहे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है? एयर आ रही है। ये क्या है? ये अनसैचुरेटेड एयर है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड एयर है ना। कोल्ड एयर यहां से आ रही है, कोल्ड वाटर यहां से आ रहा है, अनसैचुरेटेड एयर यहां से आ रही है, और फाइनली वाटर के कांटेक्ट में एयर आएगी तो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी और कोल्ड हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा कोल्ड ह्यूमिडिफाइड एयर। भाई वाटर पार्टिकल एयर में मिल गए होंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन हो क्या होगा उसका। ठीक, ये नहीं हुआ होगा यार, ये नहीं हुआ ना। नहीं हुआ, सुनो। फिर यहां पर क्या होगा, ये प्रोसेस किसमें होती है? ये प्रोसेस होती है आपके विंडो कूलर में, ये प्रोसेस होती है आपके विंडो कूलर में। जो कूलर होता है उसमें क्या होता है, कूलर में यहां पर पानी भरा होता है, एक टैंक होता है, और यहां पर एक फैन लगा होता है, और यहां पर एक फैन लगा होता है। क्या होता है, जैसे ही फैन रोटेट करेगा, एयर यहां से आएगी, और एयर यहां से वाटर को क्या करती है, पिक करती है। एयर वाटर को यहां से क्या करती है, पिक करती है। तो वाटर क्या करता है कि वेपराइज होता है। जब वाटर वेपराइज होता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है खुद से भी, मतलब रिमेनिंग वाटर से भी और एयर से भी। तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फाइनली आपको यहां पर क्या मिल जाती है, कोल्ड एयर मिलती है पहले तो, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ, और दूसरा उसमें वाटर वेपर एड हो गई तो कोल्ड एंड ह्यूमिडिफाइड एयर मिलती है। तो ये वाटर कूलर का एग्जाम्पल है, कोल्ड एंड ह्यूमिडिफाइड एयर। बस यही अंतर है एसी में और कूलर में, मुझे बताओ समर कंडीशन में वाटर वेपर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है कम होता है? समर में, गर्मियों में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है कम होता है? मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है गर्मियों में, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, और सर्दियों में मॉइस्चर बहुत कम होता है। ठीक, अब गर्मियों में मॉइस्चर बहुत कम है तो मुझे क्या करना है, मुझे मॉइस्चर को कम कराना है, समझना मेरी बात को, मॉइस्चर को कम कराना है। मतलब मैं मेरी चाहत होगी कि मैं ड्यूमिडिफाई कराऊं, एसी क्या करता है, एसी करता है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। और कूलर क्या करता है, कूलर करता है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसीलिए कौन ज्यादा कंफर्टेबल होता है, एसी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, कूलर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। कूलर इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता कि कूलिंग तो दोनों करते हैं, कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार आप देखना एसी की कूलिंग से ज्यादा कूलर, विंडो कूलर की कूलिंग अपन को ज्यादा अच्छी लगती है, कई बार ऐसा हो जाता है गर्मी। तो कूलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मुझे प्रॉब्लम है ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन से। मॉइस्चर गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा होता है, एसी करता है डिह्यूमिडिफिकेशन तो अपन कंफर्टेबल फील करते हैं, और विंडो कूलर मॉइस्चर को और बढ़ा देता है, अपन कंफर्टेबल फील नहीं करते। आपने कभी देखा होगा बारिश के दिनों में हम लोग विंडो कूलर यूज नहीं करते, वो अजब सी गर्मी हो जाती है। आपने कभी देखा होगा बारिश के दिनों में हम लोग विंडो कूलर यूज नहीं करते, ठीक है? और आपने देखा होगा कि अगर कभी आप महाराष्ट्र साइड जाओ, मुंबई साइड जाओ, तो मुंबई साइड विंडो कूलर सक्सेस नहीं होते, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, वहां पर एसी ही सक्सेस होते हैं। लेकिन अभी कभी आप राजस्थान साइड चले जाओ, तो वहां पर विंडो कूलर बहुत सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मॉइस्चर बहुत कम होता है भाई, वहां पर तो रेत है ना बहुत ज्यादा, रेगिस्तान वगैरह है, वहां पर मॉइस्चर बहुत कम होता है, मुझे ह्यूमिडिफिकेशन कराना होता है, विंडो कूलर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक, तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है विंडो कूलर की। सुनो, इसके बाद देखना, अगर मैं इसको साइकोमेट्रिक डायग्राम में ड्रॉ करूं तो देखो कुछ ऐसा होगा। ये कुछ ऐसा होगा, ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और ये क्या है, ये डीबीटी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है टेम्परेचर कम होगा और ओमेगा बढ़ेगा।
ये कुछ ऐसा होगा, टेम्परेचर कम होगा, डीबीटी कम हो रहा है और ओमेगा बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? ये आपका, अगर कोई आपसे पूछता है कि इफेक्ट बता दो, सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि ओमेगा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। फिर कूलिंग हो रहा है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। कम होगा, फिर एच जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, एच इसी लाइन के अलोंग होता था, एच वन बराबर एच टू, एच कांस्टेंट रहेगा, और एच के साथ कौन चलता है, एच के साथ चलता है डब्ल्यू बी टी, तो एच कांस्टेंट है तो डब्ल्यू बी टी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। फिर कौन है, फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओमेगा के साथ कौन चलता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चलता है, ओमेगा बढ़ रहा है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वन की है 5.1 और टू की है 5.2, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर पाए क्या? सिंपल सी बात है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन एसी करता है, और कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कौन करता है, विंडो कूलर करता है, और इसीलिए एसी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि गर्मी में मॉइस्चर ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो एसी उस मॉइस्चर को कम करता है और कूलर उस मॉइस्चर को बढ़ाता है। तो उसमें लिख लेना, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ विंडो कूलर, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ विंडो कूलर, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ विंडो कूलर, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ विंडो कूलर। ठीक, सुनना, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो गया? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता था ना, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ये थी, अब ऊपर हो गई है,
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। याद रखना, या हमेशा ऐसे याद रखो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ओमेगा के साथ चलता है और वेट वाल्व टेम्परेचर एच के साथ चलता है। जो ओमेगा के साथ होगा वही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के साथ होगा, है ना, और जो एंथैल्पी के साथ होगा वही डब्ल्यूपीटी के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद एक हेडिंग डालो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, एक हेडिंग डालो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन सुनना। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन क्या होगा देखना, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कुछ ऐसा है। इस बार आप यहां से कोल्ड वाटर नहीं डाल रहे हो, इस बार आप यहां से कोई हॉट वाटर स्प्रे कर रहे हो, इस बार आप यहां से कोई हॉट वाटर स्प्रे कर रहे हो और यहां से कोई एयर आ रही है, ये अनसैचुरेटेड एयर है, अनसैचुरेटेड कोल्ड एयर है, और हॉट वाटर उसमें आएगा तो पहली बात तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो हीट हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि उसमें वाटर स्प्रे कर रहे हो तो हॉट हो या कोल्ड हो वाटर कंटेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा हॉट ह्यूमिडिफाइड वाटर, ठीक। देखो मामला कुछ ऐसा है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ये फाई है, ये ओमेगा है और ये डीबीटी है। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन मतलब ड्राइवल टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ओमेगा भी बढ़ेगा, तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन डीबीटी भी बढ़ेगा और ओमेगा भी बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या होगा इफेक्ट, तो देखो सबसे पहले हीटिंग हो रहा है तो डीबीटी बढ़ेगा, ये बात तो सही है, और ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, ये बात भी सही है। और ओमेगा के साथ कौन चलता है, डीपीटी चलता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो ओमेगा बढ़ेगा तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये बात भी सही है। उसके बाद यहां पर अगर आप एच का वेरिएशन देखोगे, ये एच वन है और ये एच टू है, और एच इस डायरेक्शन में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, मतलब एच भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद एच के साथ कौन चलता है, डब्ल्यू बी टी चलता है, एच बढ़ेगा तो डब्ल्यू बी टी भी बढ़ेगा। और उसके बाद जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, कम होगी। आप देखो ये फाइव वन पे था, ये वन है और ये फाइव वन है, ये टू है और ये फाइव टू, ये फाइव वन है और ये फाइव टू है, और इधर जाने पे फाइव क्या होता है, कम होता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम। ये इफेक्ट होंगे किसके, हीटिंग के एंड ह्यूमिडिफिकेशन के। कैसे करेंगे, कहीं आप हॉट वाटर को स्प्रे करो, हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन किया जा सकता है ना। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं।
फाइव वाले में दिक्कत होती है, कोई ट्रिक? कोई ट्रिक नहीं बेटा, 5-1 इधर 500% होता है और इधर जाने में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर 5 ज्यादा होगा और इधर जा रहे हो तो 5 कम होगा ना, आपको डायरेक्टली देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और हमेशा जो क्वेश्चन आता है ना वो एलिमिनेट करके सॉल्व भी हो जाता है, अगर आपको एक दो चीजें पता है तो एलिमिनेट करके सॉल्व हो जाता है ना, और इतना डिटेल में कभी नहीं जाता, इतना डिटेल में कभी नहीं जाएगा ना, बच्चों वाले न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, फाई तो कह नहीं सकते, नहीं बेटा फाई इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीज होगा, सॉरी फाई डिक्रीज होगा, फाई डिक्रीज होगा। है ना, ठीक है, आप ऐसी कोई सिचुएशन इमेजिन कर रहे होगे, ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे होगे, सेम फाइव में, सेम फाइव में लाइन ड्रॉ नहीं होगी, है ना, फाइव हमेशा डिक्रीज होगा, उस साइड जाएगा। ठीक है, सुनो, उसके बाद देखना, अभी अभी अपन ने इसके पहले क्या लिखा था, इसके पहले क्या लिखा था, इसके जस्ट पहले कौन सा केस लिखा था, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन लिखा था क्या, इसके जस्ट पहले अपन ने कौन सा केस लिखा था, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन लिखा था ना, उसको एडियाबेटिक कूलिंग भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना एडियाबेटिक कूलिंग, उसको एडियाबेटिक कूलिंग भी कहते हैं, लिख लेना उसको एडियाबेटिक कूलिंग भी कहते हैं ना। इसके बाद एक हेडिंग डालो, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, इसके बाद एक हेडिंग डालो केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, फिफ्थ वन, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ये कैसे होता है हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है कि यहां पर कोई केमिकल रखा होता है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई सिलिका जेल रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये कोई सिलिका जेल रखा हुआ है यहां पर, या फिर कोई और केमिकल है, कोई भी केमिकल है, कोई भी केमिकल है, यहां पर क्या होता है कि एयर यहां पर आती ही ये है आपकी मॉइस्ट एयर। अच्छा, ये जो केमिकल ये क्या है, कई सारे केमिकल ऐसे होते हैं, कई सारे केमिकल ऐसे होते हैं, कई सारे केमिकल ऐसे होते हैं, जैसे सिलिका जेल वगैरह है, ऐसे केमिकल होते हैं, ये सब क्या करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये कहाँ पर यूज होते हैं, आप लोगों ने जो मेडिकल वाली दुकान होती है, जो फार्मा वाली दुकान होती है, या फार्मा वाली इंडस्ट्रीज होती है, उनमें आपने देखा होगा कई सारे केमिकल्स रखे होते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, या फिर जो कपड़े वाली दुकानें होती हैं, कपड़े वाली दुकान होती है, कपड़े की शॉप होती है, या कपड़े का कोई शोरूम है, तो वहां पर मॉइस्चर से कपड़ा खराब हो जाता है, तो वहां पर कई सारे केमिकल्स वो लोग रखते हैं सो दैट मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर ले। और ये मॉइस्चर क्या करता है, सॉरी ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और यहां पर क्या निकल जाता है, यहां पर लिक्विड वाटर निकल जाता है,
आफ्टर कंडेंसेशन। और यहां पर आपको क्या मिल जाती है, यहां पर आपको ड्राई एयर मिल जाती है। तो होगा क्या इससे, पहली बार तो होगा हॉट एंड डिह्यूमिडिफाइड एयर। आप कहोगे हॉट का तो ठीक है, डिह्यूमिडिफाइड तो ठीक है, हॉट कैसे हो गई? एक्चुअली एयर यहां से आती है, मॉइस्ट एयर यहां से आती है। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या, मॉइस्ट एयर का मतलब है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। मॉइस्ट एयर का मतलब है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर है ना, ये जो वाटर वेपर है वो क्या करता है, इस केमिकल के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। ये जो वाटर वेपर है वो इस केमिकल के साथ केमिकल रिएक्शन करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कंडेंस हो जाता है किसमें, लिक्विड वाटर में। और लिक्विड वाटर में कंडेंस होकर के अलग से निकल जाता है, ठीक। लेकिन जब ये कंडेंस होगा तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलेगी और उस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से जो बची हुई एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये हॉट एयर हो गई और वाटर निकल गया तो क्या हो गई, डिह्यूमिडिफाइड। बात समझ में आई? ये सुनो, तो देखो ये कुछ ऐसा है, ये आपका डी बी टी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये आपका फाई है और ये आपका ओमेगा है। और यहां पर क्या हो रहा है, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, मतलब मामला कुछ ऐसा होगा, हीटिंग मतलब डी बी टी बढ़ेगा और डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब ओमेगा क्या होगा, कम होगा। आपसे कोई पूछता है इफेक्ट क्या होंगे, तो देखो सबसे पहले डी बी टी बढ़ेगा, ये तो सबको दिख रहा है, हॉट एयर है। ओमेगा कम होगा, सबको दिख रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया है। तीसरा, ये आपका फाइव वन है और ये आपका फाइव टू है। फाइव कम होगा ये भी सबको पता है। उसके बाद ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ही होती थी, एच वन बराबर एच टू हो जाएगा ये भी सबको पता है, एच अनचेंज रहेगा। और अगर एच सेम है तो डब्ल्यू बी टी भी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। और उसके बाद अगर ओमेगा कम हो गया है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ये इफेक्ट है। तो केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन कुछ भी नहीं है, कोई भी एक केमिकल रखा हो जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और वाटर वेपर को क्या कर दे, कंडेंस कर दे। और अगर वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगी और निकल जाएगी तो एयर ड्राई बचेगी और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलेगा। एंड ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वाटर का टेम्परेचर क्या हो, सॉरी ड्राई एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको एक बार ड्राई करो, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। राइस में भी ये प्रॉपर्टी होती है क्या, नहीं पता बेटा, देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल किसी सब्सटेंस में होता या नहीं होता वो एक्सपेरिमेंटल देखना पड़ेगा ना। हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। मोबाइल पानी में गिर जाता है तो उसे हम राइस में रख देते हैं।
यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पानी में, मोबाइल में पानी चला जाए तो उसको राइस में रख देते हैं, ये मैं पहली बार सुन होता होगा, मुझे नहीं पता है, होता होगा। ठीक है, इसको नोट करो, नोट कर लिया क्या? ठीक है, खाना नहीं बनाया इसलिए मैंने नहीं, मुझे नहीं पता। इस हिसाब से तो हर कपड़े बेचने वाले को केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन आता होगा और साइकोमेट्री चार्ट आता होगा, है ना? ठीक है, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? सुनो, केमिकल ड्यूमिडिफिकेशन क्या है मैं बता चुका हूं आपको, उसमें लिखना इन केमिकल ड्यूमिडिफिकेशन, इन केमिकल ड्यूमिडिफिकेशन। हाँ, राइस एब्जॉर्ब करता होगा बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मेरी अनभिज्ञता है कि मुझे अभी तक मैं उससे अवगत नहीं था, आज मुझे पता चला है, ये मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत करो, मुझे पता नहीं था, मुझे आज पता चला, ये कह रहा हूँ। ठीक है, उसमें लिखना इन इन केमिकल ड्यूमिडिफिकेशन, इन केमिकल ड्यूमिडिफिकेशन केमिकल एब्जॉर्ब वाटर वेपर, केमिकल एब्जॉर्ब केमिकल एब्जॉर्ब वाटर वेपर, केमिकल एब्जॉर्ब वाटर वेपर एंड इन केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन केमिकल एब्जॉर्ब वाटर वेपर केमिकल एब्जॉर्ब वाटर वेपर एंड वाटर वेपर कंडेंस, वाटर वेपर कंडेंस बाय रिलीजिंग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, वाटर वेपर कंडेंस बाय रिलीजिंग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वाटर वेपर कंडेंस बाय रिलीजिंग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ड्यू टू विच, ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग एयर इंक्रीजेस, ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग एयर इंक्रीजेस। ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग एयर इंक्रीजेस। ठीक है, सुनो, ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग एयर इंक्रीजेस, एक बार देखो, अगर मैं इन सारे साइकोमेट्री डायग्राम को, इस साइकोमेट्री प्रोसेस को अगर दिखाना चाहूं आपको कहां पर, एक ही साइकोमेट्री डायग्राम में, तो मामला कुछ ऐसा होगा। ये सारी साइकोमेट्रिक प्रोसेस जो अपन ने ड्रॉ की है, अगर इन सबको एक ही डायग्राम में दिखाना चाहूं तो देखो मामला कुछ ऐसा होगा। देखो कुछ ऐसा है, ये आपका साइकोमेट्रिक चार्ट था, ये फाई है, ये आपका DBT और ये आपका ओमेगा है। ठीक, देखो यहां पर सबसे पहले ये थी, जीरो से मैं शुरू कर रहा हूं, ये आपका सेंसिबल हीटिंग था जिसमें DBT बढ़ता था, ओमेगा कांस्टेंट रहता था, ये सेंसिबल कूलिंग थी,
बाय रिलीजिंग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ड्यू टू व्हिच टेंपरेचर ऑफ ड्राई एयर इंक्रीजेस, ये बोला था, बाय रिलीजिंग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ड्यू टू व्हिच टेंपरेचर ऑफ ड्राई एयर इंक्रीजेस। ये लेटेंट, ये क्या था, ये सेंसिबल कूलिंग था। ये जीरो से थ्री क्या होगा, ये ह्यूमिडिफिकेशन होगा। और ये क्या था, ये डिह्यूमिडिफिकेशन होगा। जीरो से फाइव क्या है, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन था। ये क्या था, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन था। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन था, ये क्या था, ये हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन था। और ये क्या था, ये था कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक, आप देखो जीरो से जो वन है, जीरो से वन है वो क्या है, सेंसिबल हीटिंग है। जीरो से जो टू है वो सेंसिबल कूलिंग है। जो थ्री है वो ह्यूमिडिफिकेशन है। जो फोर है वो डिह्यूमिडिफिकेशन है। जो फाइव है, फाइव में क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। ये था केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। जो सिक्स है, इसमें क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। इसको बोला था एडियाबेटिक कूलिंग। इसके बाद सेवन क्या है, सेवन में क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। और जो एट है, एट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ये प्रोसेस है सारी। ठीक, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछता है, एक बार गेट में क्वेश्चन पूछा था, ये सारी प्रोसेस ड्रॉ की थी और पूछ लिया था कौन सी प्रोसेस में क्या हो रहा है, किसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है और किसमें ओमेगा पड़ रहा है ना। सिंपल, ठीक है, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। मुझे दो मिनट देना, इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या, एक हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ देखते हैं, कुछ टर्म है उनको देखते हैं फिर आगे बढ़। एक हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ टर्म है उनको देखते हैं फिर आगे बढ़ते। एक हेडिंग डालो, सेंसिबल हीटिंग फैक्टर, एस एच एफ एंड
लेटेंट हीटिंग फैक्टर। LHF। दो मिनट सुनो। अगर कोई वाटर सॉरी कोई एयर कूल हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, कूल हो रही है, हीट हो रही है, जो भी हो रही है उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है कि उसमें सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग हो रही है। और अगर उसमें ओमेगा चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ओमेगा चेंज होगा या तो वाटर वेपर ऐड हुई है और या तो वाटर वेपर कंडेंस होकर के निकल गई है, इसका मतलब है कि उसमें लेटेंट हीटिंग भी है। तो देखो मामला कुछ ऐसा है, मान लो ये आपका फाई है, छोटी छोटी टर्म है, आज अपन आरएसी खत्म कर लेंगे, कल अपन आईसी इंजन शुरू करेंगे ना, ये ओमेगा है और ये डीबीटी है और ये आपकी कोई प्रोसेस है 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 जो प्रोसेस है ना, उसमें देखो 2 हीट है, ये कोई 3 पॉइंट है, तो ये जो 1 से 3 है ना, 1 से 3 है, ये वो है जिसके करस्पॉन्डिंग डीबीटी चेंज हुआ था। और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो कौन सी हीटिंग होती है, और जब टेम्परेचर चेंज होता है वो कौन सी हीट होती है, वो सेंसिबल हीट होती है। और ये वो है जिसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा चेंज हुआ था, और जब ओमेगा चेंज होगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो वो कौन सी हीट होती है, वो लेटेंट हीट होती है, ठीक। तो यहां पर 3 एंथैल्पी है, देखो ये H1 है, ये H3 है और ये H2 है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया सेंसिबल हीटिंग फैक्टर क्या है, तो सेंसिबल हीटिंग फैक्टर होता है रेशियो ऑफ सेंसिबल हीटिंग या फिर सेंसिबल हीट टू टोटल हीट। सेंसिबल हीटिंग फैक्टर होता है सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, एंड जो लेटेंट हीट इन फैक्टर है वो क्या होता है, वो होता है लेटेंट हीट अपॉन टोटल हीट। तो लेटेंट हीटिंग फैक्टर होता है लेटेंट हीट अपॉन टोटल हीट, मतलब सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, ये होता है, ये सेंसिबल हीटिंग फैक्टर और लेटेंट हीटिंग फैक्टर, सिंपल। अगर आप 1 से 2 में गए, अगर आप 1 से 2 में गए तो इसमें 2 प्रोसेस है, एक तो 1 से 3 जिसमें ओमेगा चेंज नहीं हुआ था, केवल टेम्परेचर चेंज हुआ था, तो ये सेंसिबल हीट है, और एक 3 से 2 दिख रहा होगा आपको, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, केवल ओमेगा चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब फेस चेंज रहा होगा, लेटेंट हीट। तो 1 से 3 किसको डिनोट कर रहा है, 1 से 3 डिनोट कर रहा है सेंसिबल हीट को, और 3 से 2 किसको डिनोट कर रहा है, लेटेंट। तो अगर कोई साइकोमेट्री डायग्राम आपको दे रखा है तो उसमें लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट दोनों की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है ना, इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्वेश्चन वगैरह बनाए क्या गेट के प्रीवियस ईयर के? पावर प्लांट तो पूरा अपन कर ही चुके थे, पावर प्लांट के और आरएसी में जितना अपन ने पढ़ लिया था, पहले जितना पढ़ लिया था रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट,
उसके प्रीवियस ईयर वगैरह बनाए हैं क्या आप लोगों ने, बन रहे थे क्या, है ना? आप लोगों ने देखा होगा फ्री के नंबर है यार, फ्री के नंबर है, सेम चीजें रिपीट होती रहती है ना, ठीक है? इसको नोट करो, नोट कर लिया क्या? अरे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, क्या हो गया बालक, ऐसे दुख में क्यों बोल रहे हो? तुम लोगों का तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया यार, तुम लोग थर्ड ईयर में हो ना, फोर्थ ईयर में हो, तुम लोग थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा? ये सब तुम लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इस साल गेट दे पा रहे हो, इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री लो, मतलब गेट दे पा रहे हो तो ये एक प्रैक्टिस के लिए है ना, इस बार प्रैक्टिस के लिए। जो लोग फोर्थ ईयर में हैं, जो लोग फोर्थ ईयर में हैं, वो लोग थोड़ी सा टेंशन लो, है ना, पूरी शिद्दत से दो, शिद्दत से आप थर्ड ईयर वाले भी दो, लेकिन थर्ड ईयर वालों के लिए ऐसा थोड़े ना है कि आप लोगों को गेट इसी बार टॉप करना है। आप इस बार गेट इसलिए दो क्योंकि आप लोगों को 50 से 60 मार्क्स स्कोर करना है, दैट्स इट। अगर थर्ड ईयर वाले, मैंने आपको पहले बोला था, अगर थर्ड ईयर वाले थर्ड मतलब इस साल जो थर्ड ईयर में है, अगर इस साल आप लोग 60 मार्क्स ले आते हो, इवन 60 छोड़ो, आप लोग 50 मार्क्स भी ले आते हो, तो अगले साल आप लोग 80 मार्क्स ले आओगे, इस बात की गारंटी में। तो आप लोग थर्ड ईयर वाले कुछ मत करो, अगर आप लोगों के 50 भी मार्क्स आ जाए ना, तो उसको सेलिब्रेट करना, आराम से पार्टी करना, मजे करना, है ना। 50 नंबर भी आ जाए ना थर्ड ईयर वालों के, तो मजे करना आप लोग, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और 50 नंबर बड़ी आसानी से आते हैं, 50 नंबर बड़ी आसानी से आते हैं, मतलब आप तो यार समझो ना, 15 नंबर का तो मैथ आता है, ये आप लोग तैयार करके जाओ, 15 का एप्टी होता आता है, अभी मत कहना एप्टीट्यूड नहीं है तो इंजीनियरिंग काहे करी, है ना। एप्टीट्यूड आप लोग खुद से कर सकते हो, 15 कितना हो गया 30, बचा मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में प्रोडक्शन होता है 15 का, प्रोडक्शन होता है 15 का, प्रोडक्शन कर लो, ठीक है। मुझे बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता आप लोगों का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैंने खुद ने आपको एफएम पढ़ाया है, एफएम का मैं जानता हूँ, मैंने खुद ने आपको थर्मो पढ़ाया है, थर्मो का मैं जानता हूँ, आरएसी पावर प्लांट आईसी इंजन मैंने खुद ने पढ़ाया है, आरएसी पावर प्लांट आईसी इंजन 8 नंबर, थर्मो 6 नंबर, एफएम 8 नंबर, 8, 8, 16, 16, 6, 22 नंबर ये, और 45 नंबर ये, कितने हो गए 67 मार्क्स का तो ये रखा है, समझ पाए? एचएमटीवी मैंने पढ़ाया था क्या? हाँ एचएमटीवी मैंने पढ़ाया था, एचएमटीवी मैंने पढ़ाया था, 6 to 8 मार्क्स, वो कितने हो गए 70 मार्क्स ही हो गया बेटा। प्रैक्टिस में कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस में कुछ नहीं करना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कल भी एक बच्चे को मैं यही बता रहा था, एक मतलब एक फोर्थ ईयर का ही बच्चा है, उसको मैं यही बता रहा था, आपको कुछ नहीं करना है, जो क्लास नोट्स में पढ़ाया गया है उतने क्वेश्चन जितने आपको क्लास नोट्स में कराए गए हैं उतने कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू, गेट का प्रीवियस ईयर, गेट का प्रीवियस ईयर और गेट का प्रीवियस ईयर, उसके अलावा कुछ नहीं, आपको गेट के प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ नहीं करना। आप आंख बंद करके सॉल्व करो गेट का प्रीवियस ईयर, मैं कह रहा हूँ ना, आप ट्रस्ट विश्वास करो, जिस दिन आप गेट के पेपर में बैठोगे आपको ऐसा लगेगा कि प्रीवियस ईयर ही दे दिया गया है। गेट कभी भी पैटर्न चेंज नहीं करता, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। वही व्यू फैक्टर का क्वेश्चन सब लोगों ने एचएमटी पढ़ा है, वही व्यू फैक्टर का क्वेश्चन हर बार आता है, वही गंदा सा क्वेश्चन एक स्लैब दे देगा उसमें हीट ट्रांसफर रेट पूछ लेगा, हर बार आता है, वही एंट्रोपी का गंदा सा क्वेश्चन हर बार आता है। तो चीजें कभी चेंज नहीं होती, गेट का प्रीवियस ईयर बार बार लगाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सुनो इसमें एक हेडिंग डालो, बाईपास फैक्टर, और बिल्कुल भी चिंतित मत हो, आप लोग 50 मार्क्स ले आना, 50 to 60 मार्क्स ले आना थर्ड ईयर में, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। और जो लोग फोर्थ ईयर वाले हैं वो भी चिंता मत करो, क्योंकि गेट को आप पूरी शिद्दत से दो, और गेट के बाद और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, फोकस करो केवल सिलेबस पूरा करने पे, है ना, ठीक है। आप समझो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे लेते हो इन चीजों को, लेकिन ये बहुत मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बच्चा क्या करता है, बच्चा गेट की तैयारी करने के लिए पहले तो एक बहुत सारी फीस भरता है, फिर फीस भरने के बाद वो पढ़ता मुझसे ही है, आप समझो, आप भी मुझसे ही पढ़ रहे हो और वो बच्चा भी मुझसे ही पढ़ता है, ठीक है। फिर
वो बच्चा रोज 2 घंटे 3 घंटे घर में जाग करके उठ करके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल करके आता है बेचारा, फिर पढ़ता है, फिर कॉलेज जाता है। आप लोग घर में बढ़िया आराम से बैठ करके चाय की चुस्कियां लेते हुए पढ़ रहे हो, है ना। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार। आप सोचो, मतलब अगर कोविड नहीं आता, अगर कोविड नहीं आता, ये सब प्रोग्राम नहीं होता, तो फिर आप क्या करते? आपको तैयारी करने के लिए ठीक है कोई और कोचिंग, कोई और इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना पड़ता। आप ज्वाइन करते रोज 2 घंटे 4 घंटे घर से उठ करके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाते, फिर वहां पढ़ते, फिर 2-4 किलोमीटर चल करके आते, है ना। तो बहुत सारा समय बर्बाद होता। तो आपको जो भी मिला है बहुत बड़ा अवसर है ना, तो आप सिलेबस पूरा करने पे फोकस करो केवल, है ना। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो, सेकंड वन बाईपास फैक्टर, एक हेडिंग डालो बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर को डिनोट करते हैं एक्स से। ये होता क्या है कि मान लो एक कोई कॉइल है, मान लो कि एक कोई कॉइल है और इसका टेम्परेचर है T3 और यहां से एयर फ्लो हो रही है और इसका टेम्परेचर है T1। ठीक, मान लो एयर फ्लो हो रही है और इसका टेम्परेचर है T1 और यहां पर फाइनली एयर का टेम्परेचर कितना हो जाता है? T2 हो जाता है। ये कॉइल टेम्परेचर है, ये कॉइल टेम्परेचर है, कितना है? T2। ठीक, तो यहां पर बाईपास फैक्टर होता है, बाईपास फैक्टर होता है एक्स, एक्स क्या होता है? एक्स होता है T2 माइनस T1, जो एक्चुअल में राइज हुआ टेम्परेचर। बाईपास फैक्टर होता है पहले एफिशिएंसी डिफाइन कर दें या फिर पहले बाईपास फैक्टर डिफाइन कर देते हैं। बाईपास फैक्टर होता है T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T1, ये होता है। बाईपास फैक्टर होता है क्वाइल टेम्परेचर T3 माइनस एग्जिट टेम्परेचर T2 अपॉन क्वाइल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, क्वाइल टेम्परेचर माइनस एग्जिट टेम्परेचर अपॉन क्वाइल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये होता है बाईपास फैक्टर। और एक होता है इफिशियंसी ऑफ कॉइल, और इफिशियंसी ऑफ कॉइल होता है, ये बेटा आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली ये टर्म डिफाइन होती है। इफिशियंसी होता है 1 माइनस बाईपास फैक्टर। तो 1 माइनस बाईपास फैक्टर का मतलब है T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T1। तो इफिशियंसी ऑफ कॉइल होता है T3 माइनस T1 माइनस T3 प्लस T2 अपॉन T3 माइनस T1। सही लिखा है ना, कुछ गलत लिखा है? सही लिखा है। तो T3 से T3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इफिशियंसी आ जाएगी T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T1, ये हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ कॉइल, और ये आपका होता है बाईपास फैक्टर। अपन दोनों याद रखेंगे ना, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। और अभी थर्ड ईयर आप लोगों का खत्म हो जाएगा ना, गेट का पेपर खत्म हो जाए, तो एक एक स्टैंडर्ड बुक उठाना, एक एक सब्जेक्ट की लगा डालना, पूरे सॉल्व एग्जांपल, है ना, जितने हो, ईएस का प्रीवियस ईयर उठाना, पूरा लगा डालना, है ना।
ईएसी की बुक ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा, गेट के बाद मंगा ले, ठीक है? नोट कर लिया क्या? ठीक है, हाँ भाई नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? सुनो, ठीक है सुनो, ये क्या था? ये था बाईपास फैक्टर। आप कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइल लगा देता है, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइल लगा देता है और आपसे बाईपास फैक्टर पूछ लेता है। सुनो दो मिनट, मुझे बस एक मिनट देना। कई बार क्या करता है, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइल लगा देता है और बाईपास फैक्टर पूछ लेता है, तो प्रूफ तो हो जाता है। मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि एक बार पूछा था एक एग्जाम में, ऐसा कुछ रेलवे वगैरह का था, तो आप याद रखना अगर गेट में पूछ। देखो कुछ ऐसा है, बाईपास फैक्टर विद मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइल, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइल मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइल, मान लो एन नंबर ऑफ कॉइल दे रखी है, एन नंबर ऑफ कॉइल दे रखी कुछ ऐसा है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, ठीक है, और यहां से एयर फ्लो हो रही है। यहां से एयर फ्लो हो रही है, ठीक है, और आपको दे रखा है इसका बाईपास फैक्टर एक्स है, इसका बाईपास फैक्टर एक्स है और इसका बाईपास फैक्टर ये है, और यहां से एयर इन हो रही है और यहां से एयर फाइनली आउट हो रही है। याद रखना जो कंबाइंड बाईपास फैक्टर होता है, इफेक्टिव बाईपास फैक्टर होता है, होता है एक्स के पावर एन। डायरेक्टली याद रखना, अगर हर कॉइल का एक्स है तो एन कॉइल का एक्स की पावर एन होता है। आज तक गेट के इतिहास में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ अगर कभी पूछ ले तो अपन को पता होना चाहिए ना। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे पहले एक प्रोडक्शन में एक टर्म आती थी सेफ फैक्टर, प्रोडक्शन में एक टर्म आती है सेफ फैक्टर, शायद आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, वो पहले कभी नहीं पूछता था, अभी 2016 में ही पूछ लिया है ना। नोट कर लिया क्या? डन ना? सुनो, एक हेडिंग डालो मिक्सिंग प्रोसेस, या फिर दो मिनट के लिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दो मिनट। एमएसक्यू में पार्शियल मार्किंग होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी बेटा, ऐसा ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आया उसका आंसर ए और बी दोनों सही है, आप ए लगाए आए तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, पार्शियल मार्किंग नहीं होगी। एग्जैक्ट अगर सही है देन ओनली आपको मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा जीरो मिलेंगे ना। हाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। सुनो, मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी क्या आरएसी की? मैंने आपको आरएसी की दो पीडीएफ दी थी क्या? उसमें एक पीडीएफ माई पर्सनल नोट्स टू ऐसा करके कुछ कुछ लिखा होगा, देखो
दो पीडीएफ थी, उसमें एक में होगा माय पर्सनल नोट्स टू ऐसा कुछ करके होगा मिला। मिल गया। पेज नंबर 21 पे आओ। पेज नंबर जो उसमें लिखा है पेन से उसमें नहीं, पीडीएफ के हिसाब से पेज नंबर 21 पे आओ। गए क्या? कोई क्वेश्चन मिला आपको गेट 2012 का? उसमें देखो पेज नंबर 21 गेट 2012 का एक क्वेश्चन होगा, पेज नंबर 22 गेट 2013 का एक क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन होगा। ये तीन क्वेश्चन होंगे कंटिन्यूअसली, है ना? इनको एक बार आप सॉल्व करो, 10 मिनट में मिलते हैं अपन।
हाँ भाई कर पाए क्या, सॉल्व कर पाए क्या? अरे आप लिख रहे हो कि सर पीडीएफ कौन सी है? बेटा पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को, पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को है ना टेलीग्राम वाले ग्रुप पे। क्वेश्चन कर पाए क्या टेली, आपको पीडीएफ मिल गई क्या? पीडीएफ नहीं मिली? देखो मैं दोबारा उसको पिन करता हूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, देखा देखो मैंने अभी भी दो पीडीएफ भेजी हुई हैं, देखो अभी भी दो पीडीएफ भेजी हुई हैं, देखो मिल गई क्या? बेटा भगवान माफ नहीं करेगा तुमको, देखो मैं ग्रुप की लिंक सेंड कर रहा हूं है ना। ठीक है देखो मैंने लिंक सेंड कर दी है, इस पे जाओ आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है सुनो आगे देखो, कुछ क्वेश्चन है आरएसी के वो सॉल्व करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। कल आज या कल में आज अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कल आपका आरएसी खत्म हो जाएगा शुरुआती आधे एक घंटे में, फिर अपन बात करेंगे आईसी इंजन की। 2 दिन आईसी इंजन में और लगेंगे, 16 तारीख है, 17, 18, 19 को खत्म हो जाएगा ना। ठीक है सुनो, ठीक है पेज नंबर 21 पे देखो देखो आरएसी का एक ट्रेंड है, आरएसी का जो क्वेश्चन आता है ना गेट में उसका एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड कुछ ऐसा है कि 2010 के पहले के आप क्वेश्चन देखोगे ना, 2010 और 2005 के पहले के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आए हुए हैं, मैं आपको वो कराऊंगा है ना। लेकिन उन क्वेश्चन को देख करके निराश मत होना, क्योंकि अभी आप पिछले 2010 के बाद का क्वेश्चन देखोगे तो बच्चों वाला आता है। अब आरएसी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी, और पहले बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा, मैं आपको ईयर बताता चलूंगा। देखो एक क्वेश्चन है पेज नंबर, पेज नंबर 21 देखो, गेट 2013 का एक क्वेश्चन होगा। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है प्रेशर प्रेशर एंड ड्राई वाल्व टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन ए रूम। आपको प्रेशर दे रखा है कितना? 1 bar। आपको टेम्परेचर दे रखा है 30 degrees Celsius और रिलेटिव ह्यूमिडिटी phi दे रखा है कितना है? 70% मतलब 0.7। इफ द सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर एट 30 degrees Celsius मतलब PVS दे रखा है कितना? 4.25 kilopascal। आपसे पूछा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कितना होगा? 2 मिनट सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी जो गेट का ट्रेंड है ना उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अभी जो अच्छे क्वेश्चन है उनको अभी अपन देखते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन ये वाले देख करके मैं आपको पुराने क्वेश्चन भी कराता हूं जो अच्छे आए हुए थे ना उनको देखते हैं। लेकिन आप फोकस इसी पे करना क्योंकि आएगा ये। ठीक है आपसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछी थी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का एक फॉर्मूला लिखा था 0.622 P total minus PV।
ये जो प्रेशर दे रखा है आपको पी टोटल ही दे रखा है ना, पी टोटल मेरे पास है, पीवी मुझे निकालना है, और पीवी कहां से आएगा, पीवी आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है, पीवी अपॉन पीवीएस, पढ़ चुके हम लोग एमवी अपॉन एमवीएस और पीवी अपॉन पीवीएस होता था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखा है 0.7, पीवी अपॉन पीवीएस कितना है 4.25, यहां से मुझे पीवी बताओ जरा कितना आएगा, यहां से मुझे पीवी बताओ जरा कितना आएगा, 0.117 किसमें है, यूनिट, यूनिट है किलो पास्कल में। अच्छा यूनिट अलग अलग है क्या, ये बार में है और एक किलो पास्कल में, ऐसा है क्या, हाँ अलग अलग है ना, कितना आ रहा है 2.975 आ रहा होगा, 2.975 किलो पास्कल, करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था, ओमेगा निकालना था, वैल्यू पुट कर दो 0.622, पीवी कितना है, अभी भी तो निकाला यार 2.975 अपॉन पी टोटल बार में है, किलो पास्कल में कन्वर्ट करोगे 100 का मल्टीप्लाई होगा 2.975, मुझे बता दो यहां से ओमेगा कितना आएगा, वही आ रहा है क्या 0.117, वही लिखा था क्या आपने, हाँ भाई ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, पॉइंट 0.019 है ना, किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ये आपका ओमेगा आ जाएगा, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते, गेट का पिछले 5 या 6 साल का ट्रेंड उठा करके देखोगे तो ऐसा कुछ है कि आप पूरा जो एयर कंडीशनिंग वाला पार्ट है आरएसी में उसमें आप कुछ मत पढ़ो, ये वाला फॉर्मूला भी बस पढ़ के चले जाओ तो भी आपके मार्क्स आ जाएंगे, इसी से क्वेश्चन पूछता है हर बार, है ना, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया ना, एक हेडिंग डालो मिक्सिंग प्रोसेस, एक हेडिंग डालो मिक्सिंग प्रोसेस, एक हेडिंग डालो मिक्सिंग प्रोसेस, उसको देखते हैं फिर क्वेश्चन और देखते हैं, दो मिनट सुनो।
मिक्सिंग प्रोसेस क्या है, मान लो ये कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक, और यहां पर कोई मॉइस्चर एंटर हो रही है MA1, और यहां पर कोई मॉइस्चर एंटर हो रही है MA2, और यहां पर कोई मॉइस्चर एग्जिट हो रही है MA3, ठीक। यहां पर ये पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा जो मामला है, ये पूरा इंसुलेटेड है, ना तो कहीं से हीट आ रही है और ना तो कहीं से हीट जा रही है, पूरा क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर दो चीजें लगाऊंगा, पहला मास कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले मैं बात कर रहा हूं मास कंजर्वेशन की, ये बड़ी सिंपल सी बात है। मास कंजर्वेशन का मतलब है कि जितना एयर आया था, जितनी एयर आई थी उतनी एयर जाएगी। तो एयर आई कितनी थी, यहां से आई थी MA1 और यहां से आई थी MA2, और फाइनली क्या हो जाएगी, MA1 प्लस MA2, है ना। तो एयर आई कितनी थी, MA1 प्लस MA2, और निकल कितनी जाएगी, MA3। जितनी एयर आई थी उतनी एयर जाएगी, सिंपल बनियों वाला हिसाब है यार, जितना आया था उतना जाएगा, ठीक है। सुनो, ये एयर का मास कंजर्वेशन हो गया। सिमिलरली किसका हो जाएगा, वाटर वेपर का। वाटर वेपर अगर यहां पर कंडेंसेशन नहीं हुआ, मैं मान करके चलता हूं कि यहां पर कंडेंसेशन नहीं हुआ है और ना ही कोई वाटर वेपर अलग से ऐड की हुई है, तो जितनी वाटर वेपर पहले थी उतनी ही वाटर वेपर बाद में भी रहेगी। मतलब कुछ ऐसा होगा कि पहले वाटर वेपर थी MV1, ये मैंने किसके लिए लिखा है, फॉर एयर, ठीक है। अब मैं किसके लिए लिख रहा हूं, फॉर वाटर वेपर, MV1 प्लस MV2 इज इक्वल टू MV3, ऐसा लिख सकता हूं। और देखो MV को क्या लिख सकता हूं, आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, आपको पता है ओमेगा होता है MV/MA, पढ़ा है सबने पढ़ा है ओमेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। तो MV को क्या लिख सकते हो, MV को लिख सकते हो आप ओमेगा इंटू MA। तो MV को यहां पर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 MA1 प्लस ओमेगा 2 MA2 प्लस इज इक्वल टू ओमेगा 3 MA3। तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, MA1 ओमेगा 1 MA2 ओमेगा 2 अपॉन MA3, और MA3 की वैल्यू कितनी है, MA1 प्लस MA2, सिंपल, ठीक। आपको क्वेश्चन कैसे देगा, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि दो एयर स्ट्रीम है, मॉइस्ट एयर है, आपस में मिक्स हो रही है, इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कुछ कुछ ओमेगा 1 है, इसका कुछ कुछ ओमेगा 2 है, तो इसका कितना होगा, तो ओमेगा 3 हो जाएगा, MA1 ओमेगा 1 प्लस MA2 ओमेगा 2 अपॉन MA1 प्लस MA2, सिंपल निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, जो H3 की वैल्यू है वो हो जाएगी MA1 H1 MA2 H2 अपॉन MA1 प्लस MA2। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ एग्जिट मॉइस्चर, और अगर इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखूं, जो T3 होता है वो होता है MA1 T1 प्लस
प्लस एम ए टू टी टू अपॉन एम ए वन प्लस एम ए टू, ये क्या है एग्जिट टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, बस इतनी सी बातें याद रखना कि मास ऑफ एयर कंजर्व रहेगा जितना आया उतना गया, मास ऑफ वाटर अपर कंजर्व रहेगा जितना आया उतना गया अगर कंडेंसेशन नहीं हुआ तो। इसको लिख दिया ओमेगा वन इंटू एम ए वन, ओमेगा टू इंटू एम ए टू और ओमेगा थ्री इंटू एम ए थ्री, वैल्यू निकाल ली ओमेगा थ्री। सिमिलरली फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एच थ्री निकाल सकते हैं और टी थ्री निकाल सकते हैं ना, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। एम डॉट एयर क्या है, एम डॉट एयर है मास ऑफ एयर, बिल्कुल बेटा मास फ्लो रेट ऑफ एयर। हाँ भाई इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई नोट कर पाए क्या? नोट कर लिया ना? ये आपका पूरा क्या था, ये आपका पूरा आरएसी था। हाँ इसमें मैंने आपको क्या नहीं बताया है, इसमें मैंने आपको वर्किंग ऑफ एसी नहीं बताया, वर्किंग ऑफ एसी फॉर समर कंडीशन और वर्किंग ऑफ एसी फॉर विंटर कंडीशन, वो आपके गेट के सिलेबस में नहीं है, ईएस के सिलेबस में है। जब ईएस वगैरह की प्रिपरेशन करना तो मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में नोट्स वगैरह मिल जाएगी। याद रखना पूरी वर्किंग किसकी विंटर कंडीशन में और पूरी वर्किंग समर कंडीशन में, वो मैंने आपको नहीं बताई है क्योंकि गेट वाले सिलेबस में नहीं है, ईएस वाले सिलेबस में। ठीक, कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन फिर देखते हैं ना। सर जो आपने क्वेश्चन बोला है उसमें से लास्ट वाले क्वेश्चन को बताइए ना, मुझे चेक करना है कि मेरा अप्रोच सही है या नहीं। सुनो जो मैंने क्वेश्चन बोला है, मैंने आपको तीन क्वेश्चन बोले थे, लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है मॉइस्चर सैंपल हैज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर इतना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इतना है, वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर है, ठीक है, अज्यूम मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर कितना है इतना है, इफ द सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ द एयर इज इतना इतना, टोटल प्रेशर इतना है, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा हुआ है। इसमें क्या समस्या बेटा, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी कितना दे रखा है,
30 डिग्री सेल्सियस, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कौन से पेज नंबर वाला, पेज नंबर 22 का है। ड्राइवल टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है 11.5 ग्राम पर किलोग्राम है, अज्यूम मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर कितना है 28.93 है, इफ द सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस पीवीएस कितना है 4.24 किलो पास्कल है, टोटल प्रेशर पी टोटल कितना है 90 किलो पास्कल है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर सैंपल कितना होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है फाई पीवी अपॉन पीवीएस, पीवीएस आपको दे रखा है, पीवी आपको निकालना है, और पीवी आपका कहां से आएगा, पीवी आएगा ओमेगा से, ओमेगा दे रखा है, देखो ओमेगा ये है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 0.622 पीवी अपॉन पी टोटल माइनस पीवीएस, ठीक। ग्राम पर किलोग्राम दे रखा है या फिर ग्राम पर ग्राम दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 11.5 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, कितना हो जाएगा 11.5 इंटू 10^-3 हो जाएगा, 11.5 इंटू 10^-3 हो जाएगा, ग्राम पर किलोग्राम था, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.622 पीवी, पीवी पीवी ही तो निकालना है, पीवी ही तो निकालना है मेरे भाई, पी टोटल कितना है 90 है, माइनस पीवीएस, नो पी टोटल माइनस पीवी, गलत लिखा है, मुझे यहां से पीवी बताना कैलकुलेट करके कितना आएगा जरा, पीवी बराबर एमआरटी लगाएंगे मास निकालने के लिए, क्यों लगाना है भाई पीवी बराबर एमआरटी, पीवी बराबर एमआरटी क्यों लगाना है, आपसे फाई पूछा है, फाई होता है पीवी अपॉन पीवीएस, ठीक, पीवीएस आपको दे रखा है, पीवी निकालना है डायरेक्टली, ओमेगा से पीवी आ जाएगा और ओमेगा दे रखा है, ये मास नहीं दे रखा है भाई, ये मॉलिकुलर वेट दे रखा है ना, पीवी बराबर एमआरटी लगा के मास निकालोगे, लेकिन मास निकालना क्यों, यहां से मुझे बताना पीवी कितना आएगा, हाँ भाई पीवी की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, कितना आएगा पीवी कितना आएगा, कितना 1.65 लिखा है निशांत ने और सुरेंद्र लिख रहे हैं 0.182, सही क्या है, किलो पास्कल, ये क्या आ जाएगा पीवी आ जाएगा, अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था फाई, फाई क्या हो जाएगा पीवी अपन पीवीएस कितना है 4.24, मुझे बता दो फाई की वैल्यू कितनी आएगी 1.659 है ना 4.24, कितना आ रहा है 38.9। अब यार देखो बच्चे को ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार आप ये गेट के ही प्रीवियस ईयर है, गेट के प्रीवियस ईयर है, आप प्रीवियस ईयर में जाकर के देखना मिल जाएगा आपको, आपको फाई पूछा है, ओमेगा दे रखा है
और पी टोटल दे रखा है, फाई क्या होता है, पीवी अपॉन पीवीएस, पीवीएस दे रखा है, यहाँ से पता चला पीवी निकालना है, निकाल लिया। अब बच्चा इतनी छोटी सी गलती चेक करके चला आता है, उसको ओमेगा दे रखा है 11.5 ग्राम पर किलोग्राम में, वो यहाँ पर 10^-3 का मल्टीप्लाई करना ही भूल जाता है, वो डायरेक्टली लिख करके आता है ओमेगा दे रखा है 11.5 इज इक्वल टू पीवी अपॉन पी टोटल माइनस पीवी। नहीं आएगा बेटा आंसर, ये ग्राम में है, 10^-3 का मल्टीप्लाई होगा, ये मत भूलना, ये मत भूलना बिल्कुल भी, है ना। आपको जब भी ग्राम में दे रखा होगा, ग्राम पर किलोग्राम दे रखा है ना यार, जो 10^-3 का मल्टीप्लाई होगा ना, इसको एक बार नोट करो, उस पीडीएफ में भी गलत लिखा हुआ है ना, उस पीडीएफ में भी गलत लिखा हुआ है, 11.5 लिखा हुआ है, जबकि पीडीएफ है जब मैं भी तुम्हारे जैसा बच्चा हुआ करता था, है ना, तो मैंने भी गलत लिखा हुआ है उस पीडीएफ में, है ना, 11.5 लिखा हुआ है, 10^-3 का मल्टीप्लाई होगा, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करो। नोट कर लेना तो बता देना मुझे। नोट कर लिया होगा ना, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक क्वेश्चन देखो, यहां पर पेज नंबर 27 पे एक क्वेश्चन होगा गेट 2007 का। सर मैं दोनों के मास को रेशियो निकाल रहा था, क्या पार फर के वैल्यू तो सेम ही आनी है, मास से करो या वेपर से? अच्छा, वाटर वेपर का मास निकाल लिया आपने, जो वाटर वेपर का मास आपने निकाला पीवी बराबर एमआरटी, वाटर वेपर का जो मास निकाला पीवी बराबर एमआरटी, उसमें प्रेशर कौन सा पुट किया था मुझे बताना जरा, जो वाटर वेपर का मास निकाला उसे प्रेशर कौन सा पुट किया था आपने? पीयू बराबर एमआरटी लगाया होगा ना, उसे प्रेशर कौन सा पुट किया था? ये वाला टोटल प्रेशर, यहां पर पार्श 4.24, ये पीवीएस क्यों पुट कर दिया भाई, सैचुरेशन कंडीशन पे थोड़ी ना है वो, उसने बोला कि सैचुरेशन पे इतना प्रेशर होता है, जब आप पीवी बराबर एमआरटी लगाओगे ना तो यहां पर इसका पार्शियल प्रेशर पुट करना पड़ेगा, पीवी वी इज इक्वल टू एमआरटी, तो ये जो पीवी है ना वो निकालने के लिए आपको ये निकालना ही पड़ेगा। वाटर वेपर सैचुरेशन में नहीं है, उसने बोला है कि सैचुरेशन पे इतना प्रेशर होता, अगर वो सैचुरेशन पे होता तो इतना प्रेशर होता, लेकिन एट द गिवन इंस्टेंट उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ये है, तो ये लगाओगे ना यहां पर पीवी इंटू वी इज इक्वल टू एमआरटी, ये वाली वैल्यू पुट करो यहां पर, यहां से पीवी निकाल करके पुट करो, फिर निकालो, फिर मास का रेशियो निकालो, सेम आएगा, है ना, बात समझ गए? ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 27 गेट नंबर गेट का 2007 का एक क्वेश्चन होगा, देखो पेज नंबर 27 गेट का 2007 का एक क्वेश्चन होगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन का लेवल देखना, ये पहले के क्वेश्चन है 13 साल पहले के, और अभी जो अपन ने किए वो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, वो अभी के रिसेंट के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो पेज नंबर 26 से 27 के बीच में एक क्वेश्चन होगा गेट 2007 का, देखो जरा, आपको दे रखा है बिल्डिंग हैज टू मेंटेन, ध्यान से सुना, एक बिल्डिंग हैज टू बी मेंटेन, क्वेश्चन पढ़ो, एट 21 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 14.5
वेट बल्ब टेम्परेचर। एक बिल्डिंग है उसको 21 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब पे और 14.5 वेट बल्ब पे मेंटेन करना है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अंडर दिस कंडीशन इज 10.17 डिग्री सेल्सियस। द आउटसाइड टेम्परेचर इज -23 ड्राई बल्ब। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आर 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन एंड 23 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रिस्पेक्टिवली। इफ द बिल्डिंग वॉल हैज टू बी हैज अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 1.2 वाट पर मीटर केल्विन देन द मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कंडेंसेशन। देखो एक बिल्डिंग है, ये कोई वॉल है उसकी, है ना, ये उसकी कोई वॉल है, ये उसका इनर साइड है, ये उसका इनसाइड है और ये उसका आउटसाइड है। उसने बोला है बिल्डिंग हैज टू बी मेंटेन्ड एट 21 डिग्री सेल्सियस। इसको मेंटेन करना है डीबीटी कितने पर, 21 डिग्री सेल्सियस पे, और डब्ल्यूबीटी कितने पे, 14.5 डिग्री सेल्सियस पे। अंडर दिस कंडीशन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इस कंडीशन पे है, जो डीपीटी है इस कंडीशन पे वो है 10.17 डिग्री सेल्सियस। एंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, यहां पर H1 है 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और यहां पर H2 है 23 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। If the building wall has the thermal conductivity, इसकी conductivity कितनी है, 1.2 watt per meter Kelvin, minimum thickness of the wall required to prevent condensation. ये thickness पूछा है, और जो बाहर का temperature है T2 वो कितना, -23 degree Celsius. उसने पूछा है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये तो एचएमटी बन गया बेटा, एचएमटी और आरएसी सब कुछ बन गया है ना, सुनो एचएमटी भी है आरएसी भी, सुनो। उसने बोला है कि अंदर जो भी है, अंदर जो भी मामला है, ये जो वन है और ये टू है, अंदर कंडेंसेशन को प्रिवेंट करना है। मुझे बताओगे कि अगर कंडेंसेशन को प्रिवेंट करना है, कंडेंसेशन किस टेम्परेचर पे होता था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी, वेट बल्ब टेम्परेचर डब्ल्यूबीटी, या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डीपीटी? कंडेंसेशन कहां पे होता था, कंडेंसेशन कहां पे होता था, कंडेंसेशन होता था डीपीटी पे, डीपीटी पे, है ना। मुझे सबसे पहले बताओ, आपको कई सारे पॉइंट बता रहा हूं मैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, बताओ ये रूम के अंदर दो पॉइंट है ए और बी, सबसे पहले कंडेंसेशन कहां पे होगा, आउटसाइड का टेम्परेचर है -23, सबसे पहले कंडेंसेशन कहां पे होगा, बी पर। जो वॉल है भाई, मैं रूम में खड़ा हूं, यहां पर कुछ कुछ टेम्परेचर है, बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है -23 डिग्री सेल्सियस, तो मेरी जो वॉल की सरफेस है वहां पर कंडेंसेशन सबसे पहले शुरू होगा, वो मुझे बचाना है। मुझे बता दो कि अगर मुझे कंडेंसेशन को बचाना है तो वहां पर टेम्परेचर किस टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए, बस अगर ये आ गया तो अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बी, टेम्परेचर ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डीपीटी, मतलब 10.17 डिग्री सेल्सियस, मतलब टू प्रिवेंट द कंडेंसेशन बी पॉइंट का टेम्परेचर डीपीटी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देखो प्रिवेंट कंडेंसेशन टेम्परेचर एट बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डीपीटी, डीपीटी है ना, कितना है 10.17। बस सब कुछ दे रखा है, वॉल का आपको क्या निकालना है, वॉल की थिकनेस निकालना है,
तो आप क्या करते थे एचएमटी में, याद आ रहा है, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेते थे। मुझे बताओ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होंगे, अंदर का कन्वेक्शन, वॉल का कंडक्शन और बाहर का कन्वेक्शन, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होंगे, तीन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएंगे तीन। बच्चों वाली बातें हैं, देखो यहां पर टेम्परेचर कितना है, डीबीटी है 21 डिग्री सेल्सियस। यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस सबसे पहले, कन्वेक्शन H1A1। यहां पर टेम्परेचर कितना, B पर 10.17। और यहां पर टेम्परेचर कितना नहीं पता मुझे, ये कितना है L अपॉन K कंडक्शन रेजिस्टेंस। और ये बाहर टेम्परेचर कितना, बाहर टेम्परेचर है -23। और ये कितना है, और ये है 1/H2A2। ये देखो ना यार, सबसे पहले R कन्वेक्शन होगा 1, फिर R कंडक्शन होगा, फिर होगा आर कन्वेक्शन 2। तीन रेजिस्टेंस हैं, अंदर वाला टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, बाहर वाला टेम्परेचर है -23 डिग्री सेल्सियस, और ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। बात समझ में आई, सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में है, और अगर सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सब में हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, बराबर होगा। तो सब में हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, बराबर होगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको सी मान लो, ठीक है। ए से बी के बीच में हीट ट्रांसफर कितनी हो जाएगी, ए से बी के बीच में हीट ट्रांसफर होगी, ये हो जाएगा 21 माइनस, यहां पर टेम्परेचर है 10.17 अपॉन, दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है कितना 1/H1A1 इज इक्वल टू, बी से सी के बीच में कितनी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस है 10.17, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस दो है, दोनों एड हो जाएंगे, एल अपॉन के 1/H2A। एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप वैल्यू सॉल्व करोगे 21 माइनस 10.17 अपॉन 1/H1 कितना है 8 है, इज इक्वल टू 10.17 प्लस 23, एल अपॉन के, के कितना है 1.2 है, प्लस 1/H2 कितना है 23। यहां से सॉल्व करके मुझे वैल्यू बता दो कि L की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ भाई यहां से सॉल्व करके मुझे वैल्यू बता दो कि L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यों L की वैल्यू बताना कितना आएगा। पॉइंट फोर आ रही है क्या, एल की वैल्यू 0.4 आ रही है क्या, यही आंसर था, ठीक। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना आपको, आपको केवल क्या करना था, आपको कंडेंसेशन बचाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर ही कंडेंसेशन होता है,
अगर ये पता है तो आप कर सकते हैं, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। सर आप एम के गौर सर को जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं बेटा, मैं भी उनको जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं। क्यों क्या हो गया एम के गौर सर को? गौर सर को कौन नहीं जानता यार, जो MITS में पढ़ा है वो गौर सर को नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा उन्होंने कराया था क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कल, है ना। इसके आगे आरेशी आपका 2-4-5 क्वेश्चन और कराने मुझे, तो करीब आधा घंटे और लगेगा, आधा घंटे या 45 मिनट कल आरेसी हो जाएगा, परसों और एक दिन और लगेगा, उसमें आईसी इंजन हो जाएगा ना। याद रखना मैंने आपको वर्किंग ऑफ एसी नहीं बताया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है गेट के, उसको आपको पढ़ना भी नहीं गेट के लिए, ESC के लिए देखना हो तो बाद में देखना, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।